नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना अंडे की अंडा करी। तो इसे बनाने के लिए जितने भी मसाले हैं उसे मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। ये देखिए, प्याज मैंने दो प्याज पीसे हैं, ये टमाटर दो पीसे हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये नमक है, और दो उबले हुए आलू मैंने लिए हैं मीडियम आकार के, और फिर पनीर के टुकड़े लगभग 100 ग्राम के हैं, इस तरह से मैंने टुकड़े करके रख लिए हैं, और ये सारे मसाले हैं जो सब्जी में आप डालते हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में पनीर डाल देंगे और फिर उबले हुए दोनों आलू हम डाल देंगे। आप अपने फैमिली के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, इतने से आलू और पनीर से मेरे कितने अंडे करी बनते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने डाला और इसे फिर मैश लूँगी अच्छी तरह से। आप चाहे तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। इसे मैश करके एकदम इसे प्लेन कर देना है और इसे खूब मिला करके एक सॉफ्ट मतलब डोए को तैयार करूंगी। देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आलू रह गया है और इसे भी जब मैं डो बनाऊंगी तो वो भी सारा स्मूथ हो जाएगा। और एक चम्मच ये मैंने मैदा लिया है और इसे फिर मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मैदा ही डाल रही हूँ। सिर्फ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा पनीर और आलू अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, इसके लिए मैंने मैदा डाला है। देखिए, डो रेडी है। अब इसे दो भागों में बांटूंगी, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। इसे रियल शेप देने के लिए, अंडे का बिल्कुल अंडे जैसा शेप देने के लिए ऐसा मैंने किया है। छोटे भाग को मैं येलो कलर बना दूंगी और बड़े भाग को भी फिलहाल अलग कर लेती हूँ। और देखिए, इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 बूंद येलो कलर। कलर डालना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब डिश की रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे डालना पड़ता है। अब अंडा बना रही हूँ तो अंडे का पीला भाग भी तो बनाना ही पड़ेगा ना दोस्तों। देखिए, 1 बूंद और डाल लेती हूँ और अच्छी तरह से इसे मिला लेती हूँ। अब कलर आ गया है। जब अंडा बॉयल होता है तो लाइट येलो कलर का ही कलर आता है। देखिए, बिल्कुल ये कलर आ गया है और ये मेरा वाइट बॉल हो गया है। सबसे पहले ये जो पीला है कलर, इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाऊंगी, जितने भी मेरे बन जाए इतने में। ये देखिए, 6 बॉल्स बने हैं और ये बड़ा वाला भी थोड़ा सा ज़्यादा लूंगी और इसे एक कटोरी का सेप दे करके इसे बनाऊंगी। देखिए किस तरह से मैं इसमें डालती हूँ। थोड़ा सा तो मेहनत लगा है दोस्तों, लेकिन आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी मेरी दोस्त ने मुझसे शेयर की थी तो मैंने आपसे शेयर की। देखिए, इसे मिक्स करके इसे अंडे का शेप दूंगी। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, लगभग ये अंडे की तरह ही लग रहा है। अब इसमें मैदे का डस्टिंग करके इसे मैं फ्राई करूंगी। कढ़ाई तो मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है और ऑयल भी काफी गर्म हो गया है ताकि ये बॉल्स फ्राई हो चुके। देखिए, इसे मैंने डाल दिया और फिर धीमी आंच पे इसे फ्राई करूंगी। दूसरा फिर तैयार कर लेती हूँ। सेम वही प्रोसेस है, पहले इसे कटोरी का शेप दूंगी और फिर ये पीला वाला उसमें अंदर डाल दूंगी। अगर आप पहली बार अपने घर में गेस्ट को या फिर फैमिली को खिलाएंगे बिना इसे कहे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि यह सब्जी किस चीज़ की है। देखिए, इतने से पनीर में मेरे 6 अंडे के बॉल्स रेडी हुए हैं, जो मेरे फैमिली के लिए सफिशियंट है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बनाइएगा। अब मसाला मैं तैयार कर लेती हूँ। 1 तेज़पत्ता मैंने एक्स्ट्रा डाला है, बाकी सारे वही मसाले हैं जिसका परिचय मैंने आपको पहले दे दिया था।
सारे मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। देखिए मैंने धनिया डाला, सूखे मसाले, ये देखिए काली मिर्च पाउडर मैंने डाली, लाल मिर्च ऑलरेडी डाल चुकी थी, हल्दी पाउडर सारा कुछ डाल रही हूँ, और ये अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है इसे भी डाल देती हूँ 2 चम्मच। और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। देखिए मसाला मेरा लगभग 5 मिनट भुना है और ये तेल छोड़ने लग गया है। अब इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला का पाउडर मैंने डाला है, और फिर 2 से 3 चम्मच ये मैंने दही डाला है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, घर की दही है और बिल्कुल ताजी दही है, ताजी दही ही हमें डालनी है दोस्तों, खट्टी दही मत डालिएगा। ऑलरेडी मैंने टोमेटो प्योरी इसमें डाली है और फिर दही भी डाल रही हूँ, तो हमारी सब्जी खट्टी ना हो जाए इसलिए हमें ज़्यादा खट्टी दही का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए अब इसमें मैं बॉल्स डाल दे रही हूँ सारे के सारे, उसके साथ भी लगभग 2 मिनट भूनूंगी। दही डालने से इसका कलर बिल्कुल अलग हो गया है और टेस्ट भी इसका अलग ही आ जाएगा। ये लास्ट में कसूरी मेथी मैंने डाला है क्रश करके, मसाले तो अब ऑलरेडी बिल्कुल ही भून चुके हैं। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, पानी उतना ही डालना है दोस्तों जिससे कि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बने। ज़्यादा पानी हमें डाल के इसे खौलाना नहीं है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है, ज़्यादा खौलाने से हो सकता है कि इसकी पीसेस फट जाए। जितना हमें ग्रेवी चाहिए बस उसे थोड़ा सा पानी डालना है और लगभग 2 मिनट इसे ढक करके मैं पकाऊंगी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और मसाले भी अच्छी तरह से पक गए, ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई, सब्जी का कलर देखिए एक नज़र में ये तो बिल्कुल अंडा करी ही लग रहा है। देखिए आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा दोस्तों और घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ कि अंडे वाली फीलिंग आ रही है या नहीं। देखिए बीच से मैंने कट कर दिया, और अंदर का देखिए भाग कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल ये अंडा करी ही लग रहा है दोस्तों। और टेस्ट के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे तभी टेस्ट के बारे में कह सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर मेरा ये मेहनत आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।